सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम करता हूँ आप लोग का हमारे चैनल की बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो में। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले न्यू M1887 की स्किन के बारे में, कि हमारे इंडेसो के अंदर हम लोग को बिल्कुल ही न्यू M1887 की स्किन कौन सी डेट तक प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसके अलावा दोस्तों कौन से इवेंट के अंदर से वो आएगी और उसको निकालने के लिए हम लोग को कितना डायमंड वगैरह लगाना पड़ सकता है, उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। हमारे OB30 अपडेट के बाद आने वाले बुइया 2.0 इवेंट की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। उसी के साथ-साथ दोस्तों हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ ऐसे इवेंट और अपडेट जो कि यार बहुत ज्यादा ओपी रहने वाले हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कवर किया हूं। तो वीडियो यार आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए यार वीडियो को बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों यार इस वीडियो पे 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो आई होप यार आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। तो जिनमें भाई वीडियो को लाइक नहीं किया यार से लाइक जरूर कर देना। और भैया आप लोग के लिए फेसबुक पेज पर हमारे कंटिन्यू गिव अवे चल रहा है, वहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है, तो जिन्होंने भी यार फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाओ यार फॉलो कर लो। तो चलिए यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यार सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें अपने फ्री फायर गेम के अंदर आने वाले बुइया 2.0 इवेंट के बारे में, जो कि दोस्तों यार हमारे गेम के अंदर हमारे इस OB30 अपडेट के बाद स्टार्ट हो जाएगा, या फिर दोस्तों बोल सकते हैं कि इस बार का जो OB30 का अपडेट आएगा अब वो हमारा बुइया 2.0 इवेंट की थीम पर बेस्ड पूरा रहने वाला है, क्योंकि यार उसी की थीम से रिलेटेड यहाँ पे काफी ढेर सारे रिवॉर्ड और आइटम्स निकल के आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाना चाहूंगा जो कि यार हमारा बुइया 2.0 इवेंट का रहने वाला है, आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। जो हमारा लॉबी एनिमेशन रहता है वो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि टोटली हमारा बुइया 2.0 इवेंट की थीम पर बेस्ड है। और ये वाला जो एनिमेशन है दोस्तों ये हम लोग को किसी न किसी वेब इवेंट के अंदर से प्रोवाइड कराया जाएगा, या फिर दोस्तों हम लोग को हमारे लक रॉयल इवेंट के अंदर अवेलेबल कराया जा सकता है। तो यार आप लोगों को ये वेब इवेंट का ये इमोट जो है कैसा लगा, मतलब एनिमेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमारे बुइया इवेंट से रिलेटेड और क्या क्या रिवॉर्ड निकल के आए हुए हैं, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि हमारी एक गोल्डन UMP की स्किन निकल के आई हुई है, जो कि हमारा बुइया 2.0 इवेंट की थीम से रिलेटेड है पूरा का पूरा। आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो ये जो बुइया UMP है ये हम लोग को हमारे इसी बुइया 2.0 इवेंट के दौरान अवेलेबल कराई जाएगी, जिसकी सबसे ज्यादा जो गाइस प्रोबेबिलिटी बन रही है वो है यहाँ पे हमारे फेडर व्हील इवेंट के अंदर। क्योंकि यार मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हमारे गेम के अंदर जितने भी इवोल्यूशन वाली गन आती हैं वो सारी की सारी गन हम लोग को अवेलेबल कराई जाती है हमारे फेडर व्हील इवेंट के अंदर। तो ये वाली जो इवोल्यूशन UMP की स्किन है ये भी हम लोग को हमारे फेडर व्हील इवेंट के अंदर अवेलेबल कराई जाएगी, जिसको निकालने के लिए दोस्तों आप लोग को टोटल 1200 से 1300 डायमंड यहाँ पे लगाने पड़ सकते हैं। तो यार आप लोग UMP यूज करने वाले कि नहीं करने वाले निकाल के कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यार आप लोग को दिखाना चाहूंगा हमारे बुइया इवेंट की थीम पर बेस बिल्कुल ही न्यू यहाँ पे स्काई विंग की स्किन निकल के आ चुकी है, जो कि दोस्तों यार आप लोग स्क्रीन पर देख ही देखते हो ये शानदार सी स्काई विंग की स्किन बताई जा रही है हमारी टोटली बुइया 2.0 इवेंट की थीम पर बेस्ड है, जो कि यार हमारे आने वाले इस OB30 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा बुइया इवेंट के दौरान। और अगर बात करें कि इस स्काई विंग को कौन से इवेंट के अंदर से अवेलेबल कराया जाएगा, तो इसके भैया वेब इवेंट के अंदर आने के सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। आप लोग बताओ यार आप लोगों को ये स्काई विंग की स्किन कैसे लगी, कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना। मेरे को तो भाई अच्छी लग रही है यार स्काई विंग की स्किन, जितने भी अभी तक आई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताना कि कैसा लगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यार यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि हमारे आने वाले अपकमिंग वीक्स के अंदर कुछ इवेंट्स के बारे में, जो कि यार 100% कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि भैया मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारा OB30 वाला जो अपडेट आने वाला है इसी मंथ के बाद आ जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। और हमारी M1887 की स्किन से भी रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ढेर सारी क्वेश्चन भी निकल के आ रहे हैं कि भैया यहाँ पे OB30 अपडेट आने वाला है तो कब तक आ जाएगी हमारी M1887 की स्किन। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ दोस्तों यार जो हमारी M1887 की स्किन है वो हम लोग को हमारे इस मंथ के एकदम लास्ट में देखने को मिल गया, क्योंकि भैया मैं आप लोग को बता दूं कि अभी हमारा इसके बाद जो फेडर व्हील इवेंट आने वाला है उसके अंदर हम लोग को हमारा मोको इवेंट की थीम पर भी जो ये मेल का बंडल है ये हम लोग को अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि दोस्तों यार आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो ये वाला जो मेल का बंडल है हमारे इंडस्ट्रो के लिए 100% कन्फर्म हो चुका है दोस्तों, कि हमारे फेडर व्हील इवेंट के अंदर हम लोग को अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि लिटरली देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा शानदार लगता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी M1887 की चांसेस बन रहे थे वो थे भैया हमारे टोकन टावर इवेंट के अंदर आने के, लेकिन भैया हमारे इंडेसो के लिए यहाँ पे बंडल का इस बार आने वाला है टोकन टावर इवेंट, जो कि यार आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो ये वाले जो बंडल से भैया ये बताया जा रहा है कि हमारे आने वाले इस टोकन टावर इवेंट के अंदर हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा जो नेक्स्ट टोकन टावर इवेंट आएगा उसके अंदर, जिसके अंदर मेल और फीमेल का बंडल एक यहाँ पे फेस प्रिंट भी हम लोग को अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला जो बंडल है हमारे इंडेक्स वॉक के लिए पूरा 100% कंफर्म हो चुका है टोकन टावर इवेंट के अंदर। तो जो अब हमारी M1887 के चांसेस थे टोकन टावर इवेंट के अंदर आने के, वो भी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो अब इसके यहाँ पे सिर्फ एक ही चांसेस बचे हैं दोस्तों, जो कि हमारा वेब इवेंट। वेब इवेंट की अगर यहाँ पे हम बात करें कि किस तरीके के वेब इवेंट के अंदर आएगा, तो भैया इसका हमारा लूडो इवेंट जो आता था उस तरीके के इवेंट में आ सकता है, या जो दोस्तों हमारी वन पंच मैन वाली जो M1887 की स्किन जिस इवेंट के अंदर आई थी टोकन, वहाँ पे उस वाले इवेंट के अंदर हम लोग को वो अवेलेबल कराया जा सकता है। ठीक है, दो तरीके के यहाँ पे इवेंट इसके चांसेस बन रहे हैं। और बात कर ले कौन सी यहाँ पे स्किन, तो भैया गोल्डन M1887 की जो हमारी स्किन निकल के आई हुई है वो यार हम लोग को अवेलेबल कराया जाएगी, क्योंकि भैया ये हमारे OB29 की M1887 की स्किन थी, जो कि यार अभी तक हमारे इंडसो में नहीं अवेलेबल कराई गई है। तो इसी के सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस और प्रोबेबिलिटीज बन रहे हैं भैया कि हम लोग को ये अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो यार आप लोग को ये गोल्डन M1887 की स्किन पसंद है कि नहीं पसंद है कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। और भैया लुक वाइज ये जो M1887 की स्किन है मेरे को बहुत ज़्यादा लिटरली ओपी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन यार इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है उतने ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन तब भी अच्छे हैं भाई। हर एक गन से मतलब डिफरेंट ही है, जितनी भी M1887 की स्किन आई है उनसे तो डिफरेंट ही है भाई, क्योंकि यार हमारे गेम के अंदर अभी 3 से 4 M1887 की स्किन आ चुकी हैं, जिनमें से 2-3 गन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम ही हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। मतलब गरेना जो है टोटली यार यहाँ पे बिजनेस कर रहा है हमारे इस M1887 की स्किन को लेके। तो यार आप लोग ये गोल्डन M1887 की स्किन निकालने वाले हो नहीं निकालने वाले हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। और मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ भाई, तो अगर आपके पास एक या दो स्किन पहले से ही M1887 की, तो मत ही निकालना यार, क्योंकि भैया कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा यार। आप लोग पहले से ही जब दो गन है, दो गन में से एक ही गन यूज कर पाते हो गेम के अंदर, तो इतनी गन की स्किन लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग कलेक्शन अपना बनाना चाहते हो तब भैया डायमंड लगा सकते हो, नहीं तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा आप लोग को इसको लेने के लिए। और दोस्तों यार शाम को मैं नेक्स्ट गोल्ड रॉयल की वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप लोग बताओ यार हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के अंदर कौन सा बंडल आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना कि भैया मैं शाम को गोल्ड रॉयल की वीडियो डालूँ कि नहीं डालूँ। ठीक है, और मैं आप लोग को एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा भैया कि मैं अपने फेसबुक पेज पर आप लोग के लिए कंटिन्यू गिवे वगैरह कर रहा हूँ, तो जिन्होंने भी यार फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आप लोगों के लिए काफ़ी ढेर सारे टूर्नामेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग टूर्नामेंट खेलना चाहते हो भैया, तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना। और जिन्होंने यार इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया भैया, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं गूगल प्ले स्टोर के छोटे छोटे रिडीम को 10-30 रुपये के यहाँ पर डालते रहता हूँ। ठीक है, और दोस्तों यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और गोल्डन M1887 की स्किन का अगर यहाँ पे डेट की बात करें, तो भैया हमारे इस सितंबर मंथ के लास्ट वीक के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी हमारी गोल्डन M1887 की स्किन, जो कि यार हमारे इंडेक्स वॉक के अंदर वेब इवेंट के अंदर हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार मिलते हैं एक बिल्कुल ही फ्रेश और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब लोगों को टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, अपना सपोर्ट जरूर दिखाना दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ।